बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की बात करें तो अर्जुन कपूर की आने वाली फिल्म यानी पानीपत का उनके फैंस को सबको बेसब्री से इंतजार है। पानीपत फिल्म की बात करें तो ये बेस्ड होने वाली है पानीपत की तीसरी लड़ाई पर, यानी पीरियड फिल्म होने वाली है पानीपत। इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म में अर्जुन कपूर के साथ साथ संजय दत्त भी नजर आने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें इस फिल्म की तो रिसेंटली अर्जुन कपूर ने इस फिल्म को लेकर एक रिसेंट अपडेट दी है, यानी उन्होंने बताया है कि इस फिल्म के जो डबिंग का काम चल रहा था वो उन्होंने रिसेंटली कंप्लीट कर लिया है और ये फिल्म अब पोस्ट प्रोडक्शन में जा चुकी है। वहीं अगर हम बात करें इस फिल्म की डायरेक्शन की तो आशुतोष गवारेकर इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। अर्जुन कपूर ने इस फिल्म के बारे में जानकारी तो दी ही, साथ ही साथ उन्होंने आशुतोष गवारेकर की काफी ज्यादा तारीफें भी की है। जी हाँ, आशुतोष गवारेकर के बारे में उन्होंने कहा है कि वो काफी शांत और सुलझे हुए इंसान है। फिल्म बनाते समय वो काफी शांति और धैर्य से काम लेते हैं। जिसको भी एक्टर या फिर डायरेक्टर बनना हो उनको आशुतोष सर से एक बार जरूर मिलना चाहिए। और साथ ही साथ अर्जुन कपूर ने यह भी कहा है कि आशुतोष सर जो हैं उनके साथ मेरी शूटिंग खत्म हो चुकी है, जिसके बाद मैं अब दुखी फील कर रहा हूँ बिकॉज इस फिल्म की शूटिंग जो है मैंने खत्म कर ली है और जिस दौरान मैंने बहुत सारी चीजें उनसे सीखी थी। वह उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से वो फिल्म बनाते हैं आपको उनसे प्यार हो जाएगा। और साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि आशुतोष गवारेकर के साथ उनकी ये पहली फिल्म है और ये उनकी करियर की बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है। वहीं अगर हम पानीपत फिल्म की बात करें तो 6 दिसंबर 2020 को ये फिल्म सिनेमा घरों में लगने जा रही है, लेकिन फिलहाल इस फिल्म का टीजर या ट्रेलर सामने नहीं आया है, जिसका अर्जुन कपूर और साथ ही साथ संजय दत्त के फैंस को भी काफी ज्यादा इंतजार है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से अर्जुन कपूर को अपनी इस फिल्म से उम्मीदें हैं, यानी उनका कहना है कि आशुतोष गवारेकर के साथ उनकी पहली फिल्म है और ये बड़ी फिल्म होने वाली है। अब देखना ये होगा कि उनकी उम्मीदें कितनी खरी उतर पाती हैं और ऑडियंस इस फिल्म को कितना प्यार देती है।